उज्जैन महाकाल लोक में तेज आंधी तूफान की वजह से सप्तऋषि के 7 में से 6 मूर्तियां गिर गई थीं, जिसके बाद 850 करोड़ रुपए से अधिक के काम पर सवाल उठ रहे थे। मूर्तियां गिरने के बाद इस पर राजनीति भी हुई। अब महाकाल लोक की सभी मूर्तियों को रिपेयर करने का काम शुरू हो गया है और स्मार्ट सिटी की ओर से काम करने गुजरात से आए कलाकार मूर्तियों को उनके स्थान से निकालकर पिनाकी द्वार के पास उनकी मरम्मत कर रहे हैं। और अब के बाद जल्द लौटते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। कैसे आप देखते 23 के आखिरी में जो मध्य प्रदेश का चुनाव है, अब की बार 200 पार, 200 नहीं 150 से ऊपर सीट आएगी जी, 150 से ऊपर आएगी। मैं लफ्फा जी नहीं करता हूँ। प्रियंका गांधी आकर की नर्मदा स्नान भी किया, ये अभी क्यों जाने लग गए मोदी जी के बनने, प्रधानमंत्री बनने, इसके पहले कभी नहीं गए वो। जो ब्यूरोक्रेट्स कांग्रेस की मानसिकता के थे वो कहना यार मोदी जी आवश्यकता 10 साल हो रही है। अगर एक समान कानून पूरे देश के लिए लागू होता है, ये जो मानसिकता है जिहादी की, इससे विश्व को बचना पड़ेगा। एक देश एक विधान, ये बहुत जरूरी। पश्चिम बंगाल की राजनीति है, वहाँ तो युद्ध लड़ा जाता है। मैं जब वहाँ 6 साल रहा तो 400 कार्यकर्ताओं को हमने खोया है, तो वहाँ तो हिंसा की राजनीति, वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ भारत का संविधान नहीं चलता, ममता जी का संविधान चलता है। Plus crore viewers, India. मध्य प्रदेश सरकार भी अब जुड़वा बच्चों को मानेगी सिंगल चाइल्ड। पहले डिलीवरी में जुड़वा बच्चे हुए तो मिलेंगे 2 इंक्रीमेंट, जुड़वा बच्चों के बाद करवाना होगा नसबंदी। जबलपुर के वेदिका हत्याकांड मामले में पकड़ा तूल, क्षत्रिय महासभा ने एसपी ऑफिस का किया घेराव, आरोपी के मकान पर बुलडोजर चलाने की मांग। जबलपुर में ढाबे में फायरिंग से दहशत, मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। विधायक अजय विश्नोई का करीबी बताया जा रहा पकड़ा गया युवक। मुरैना में जमीन विवाद को लेकर मारपीट, महिला सहित 4 लोगों को लगी गोली, इलाज के दौरान 1 की मौत, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। मुरैना में जन्मदिन की पार्टी में फायरिंग, 1 व्यक्ति को लगी गोली, घटना के बाद आरोपी फरार। खंडवा के ओंकारेश्वर में महंत के आश्रम में चोरी, चांदी के बर्तन सहित अन्य सामान किए पार, मामले की जांच में जुटी पुलिस। राजगढ़ के पचोरी में फिल्मी अंदाज में व्यापारी का अपहरण और हत्या, सड़क किनारे मिला शव, मामले की जांच में